cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way, so you can go. So guys, ये है आपकी खूबसूरत गाड़ी जिसके लिए हम ढूंढ रहे थे कहाँ है ये हॉल नंबर 9 के अंदर है और बहुत ही प्यारी लग रही है। तो गाइस वाकई में गाड़ी तो यार वाकई में बहुत मज़ेदार है यार, दिल देख के खुश हो गया यार। ये गाड़ी अब सड़कों पे कब नज़र आने वाली है ये तो मालूम नहीं है। इसके 16 इंच के अलॉय हैं और जो इसके ग्राफिक्स का रखे हैं ये अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। तो गाइस आ चुके हैं जिस गाड़ी का हम वेट कर रहे थे, है जेमिनी। वाकई में बहुत शानदार गाड़ी है मारुति की और फाइव डोर है यानी अगर बात की जाए थार की, हाल फिलहाल थार तो आपका 2 डोर आती है पर इन्होंने शुरू में ही लॉन्च करी है 5 डोर गाड़ी और प्राइस रेंज मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग रहनी चाहिए और 4x4 भी होनी चाहिए तो बहुत ज़्यादा सेल होने वाली है इस गाड़ी की। लुक बहुत ही शानदार है, सामने जो लुक है और जो पीछे की जो साइड की लुक है वो पूरी लुक जो आ रही है वो आ रही है आपकी जी वैगन की। साइज़ उतना नहीं है, प्राइस रेंज अराउंड 12 से 15 लाख के आसपास है। अब देखते हैं कहाँ तक जाने वाली है और क्या क्या फैसिलिटीज़ इसमें देने वाले हैं। बहुत ही खूबसूरत है यार, अलॉय का साइज़ थोड़ा और बड़ा होता तो और मज़ा आता, पर जो भी है बहुत अच्छी लग रही है यार। कहा जाए तो इसकी 2 इसमें झलक नज़र आ रही है, सामने से झलक है इसकी वो है आपकी हमर की, जो हमर की लुक आती है वो सामने से आती है और साइड से लुक आती है इसकी, आती है जी वैगन की। और वाकई में लुक भी और वाकई में बहुत ही स्मार्ट गाड़ी दिख रही है, अंदर से कुछ इस तरह से दिख रही है। ये इन्होंने ना बस शो के लिए लगाया हुआ है, पता नहीं क्या इसका कहानी है। जो इसके ग्राफिक्स है जेमिनी लिखा हुआ बहुत ही प्यारा लग रहा है, जो भी कह लो, ज़्यादा दिख नहीं रहा पर अच्छा लग रहा है ऑल ओवर। पीछे भी स्पेस है इनफ है, जो अंदर फैसिलिटीज़ दे रखी हैं और क्या फीचर्स है इसके बारे में तो भी बाद में पता चलेगा जब ये गाड़ी प्रॉपर तरीके से मार्केट में दिख जाएगी, पर हाल फिलहाल जो भी है खूबसूरत, इतनी ज़बरदस्त लग रही है। लुक आप खुद ही देख लो, तो ये देखिए लुक पूरी जी वैगन की लुक है साइड से और इवन कहूँगा तो पीछे से भी जी वैगन की लुक लग रही है। सामने जो लुक लग रही है वो लग रही है आपकी हमर की, 5 सीटर है और पूरी टूरिंग में है, 4x4 नेक्सा के ब्रांड के ऊपर ये आई है, नेक्सा ऑल ग्रिप। अगर थार को टक्कर देनी है तो भैया 4x4 तो होनी चाहिए। और प्राइसिंग का रेंज का आइडिया नहीं है, कह रहे हैं 11-12 लाख रुपए के आसपास से स्टार्ट हो रही है, कहाँ तक जाने वाली और कहाँ तक होगी कुछ नहीं पता, पर गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लग रही है। ये पूरा सेक्शन जो है मारुति का है, देखते हैं इसका एक कलर येलो कलर का था जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, तो वो रहे उसका येलो कलर वहाँ पास में है, शायद अंदर से वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पे लग के भीड़ है, दबा के लोग अंदर से देखने आए हुए हैं यार, हमें देखते हैं मौका मिलता तो आपको अंदर से दिखाते हैं गाड़ी कैसी लग रही है। गर्मा गर्म माहौल चल रहा है गाड़ी का, यहाँ से एंट्री है, पीछे का स्पेस है जो देखने को कुछ ऐसा लग रहा है, इनफ है, ज़्यादा बड़ा नहीं है पर ठीक है यार, एज़ कम्पेयर थार से तो बढ़िया, कोई 5 सीटर दे रहे हैं, पीछे स्पेस दे रहे हैं, ये बढ़िया यार। देखते हैं एंट्री मिलती है फिर आपको दिखाते हैं, बहुत ही प्यारी लग रही है। ये कुछ डिफरेंट है, वो कुछ डिफरेंट थी। जो जेमिनी का एक और कलर है बहुत ही प्यारा लग रहा है, अभी आपको अंदर से इंटीरियर दिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भीड़ है एक्चुअली, पब्लिक बहुत ज़्यादा आ रखी है। अरे वो लुक कुछ और थी जो मैं आपको दिखा के लाया हूँ, फटाफट चलते हैं, भीड़ कम होती है, आपको अंदर से दिखाता हूँ किस तरह की लुक नज़र आ रही है। अब देखते हैं क्या प्राइस इसका ओपन होता है, कितने की बुकिंग होती है और क्या प्राइसिंग रहता है। तो अपनी इंडियन व्हीकल जैसे तो थार भी नॉट बैड को अंदर से दिखाते हैं, लोग चढ़ चढ़ के देख रहे हैं, ऊपर कूद कूद के देख रहे हैं कि गाड़ी में क्या जान है। फटाफट लोगों को निकाल रहे हैं क्योंकि एक शो का टाइम हो गया, तो हल्की सी आपको झलक अंदर दिखा देते हैं। ये कुछ अंदर की लुक है, ये अंदर का इंटीरियर है और ठीक है, सनरूफ नहीं है, बाकी ये स्पेस ठीक ठाक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक ठाक है। इसको दरवाजा बंद करो तो आवाज ठीक आ रही है। इस पर सेंसर सिस्टम है, ये पीछे का आपका जो स्पेस है ये सामान रखने का यार, पर ठीक है, इनफ है, हो जाएगा, हाँ काम चल जाएगा गाड़ी का, मतलब जिस हिसाब से उन्होंने निकाला है प्राइस रेंज कॉम्पैक्ट, उम्मीद कर रहा हूँ प्राइस ज़्यादा ना हो तो बाकी गाड़ी खूब चलने वाली है। वैसे मारुति का ब्रांड का नाम जुड़ा हुआ है तो बस, नाम की पाजी हरप्रीत सिंह है, लुधियाना से आए हुए हैं। मैं पूछूं गाड़ी कैसी लगी पाजी आपको? गाड़ी बहुत अल्टीमेट लगी मेरे भाई, मारुति का ब्रांड है और सबसे बड़ी चीज मारुति एसयूवी लॉन्च कर रही है, वो भी थार के टक्कर की। हाँ। तो मैं वही पूछना चाह रहा था, होने के कारण कह लो कि फुल डिमांड है, लुक बहुत शानदार दी गई है और इन्होंने भी अभी ओपनिंग कर दी है लोगों को सामने दिखाने के लिए। वाकई में गाड़ी बहुत बढ़िया पाजी, बहुत बढ़िया लग रहा है डेना कॉल करके। तो गाइस ये है आपकी मारुति की विटारा गाड़ी, बहुत ही खूबसूरत है, अंदर से लुक कुछ इस तरह की है, जिन लोगों ने नहीं देखी मैं उनके लिए दिखा रहा हूँ। स्टेयरिंग भी इसका स्पोर्ट्स मॉडल का है, लुक बहुत ही शानदार है, लग्जरी लुक है। सीट्स का स्टाइल जो देख रहे हो आप ये बहुत ही प्यारा है, बहुत ही खूबसूरत गाड़ी है और इस वक्त ये भी काफ़ी सेल हो रही है। इसका सनरूफ का साइज, इस पर सनरूफ है नहीं, सनरूफ भी इसका आती है और ये वाला नहीं है, कुछ नया मॉडल है पर लुक वही है। ओह नया मॉडल है भाई, फॉरनेक्स आ गया भाई, तो ये नया लुक है पर ये ग्रैंड विटारा की तरह ही है, हाईब्रिड है, बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही प्यारी लग रही है, ये देखिए बहुत ही प्यारी लग रही है। सो गाइस अभी गाड़ी का मारुति का इवेंट स्टार्ट होने वाला है तो वेयर एवरीथिंग वी नो अबाउट द एसयूवी, cuz I don't
don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under. तो गाइस आपने देखा जिमनी गाड़ी लॉन्च हो चुकी है और बहुत ही प्यारी लग रही है, बहुत ही बेहतरीन लग रही है। मारुति की ये ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, ये भी लॉन्च हो रहा है, पता नहीं कब तक हो रहा है, पर जो भी कहो बहुत ही प्यारा लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, कोई डिफरेंट लुक, डिफरेंट स्टाइल, बहुत ही प्यारा है। और यहाँ पे और भी इवेंट प्रोग्राम चल रहे हैं, पता नहीं कुछ नई गाड़ी है, ये भी है करोला, करोला कौन सा मॉडल है भाई, ये क्या है, कौन सा है ये, करोला न्यू है और ग्राफिक्स वगैरह कर रखे हैं, अच्छी लग रही है गाड़ी, करोला क्रॉस भाई साहब, ये कैमरी लग रही है, कैमरी के नई लुक है, मिराए, ये कौन सा मॉडल है अभी नया है, बहुत ही प्यारा लग रहा है यार मिराए, देख रहे हैं क्या ही खूबसूरत है यार, बहुत ही प्यारा लग रहा है, खूबसूरत लग रही है गाड़ी। और ये टोयोटा की एल्टस, ये टोयोटा की हाइब्रिड, कौन ये आपकी ब्रीजा की कॉपी जो है टोयोटा की, ये वो है, ये आपको देखने को मिल रही है, ये देखो सिमिलर लुक है, साइज़ वगैरह सिमिलर है, पर कुछ फीचर्स का फर्क है, प्राइस रेंज भी ऑलमोस्ट सिमिलर है, हाइब्रिड है ये, हाँ थोड़ी सी इसमें बैटरी है, थोड़ा सा इसमें पेट्रोल है, दोनों से यूज़ कर चलती है, और काफ़ी खूबसूरत गाड़ी है ये भी, काफ़ी बड़ा साइज़ लग रहा है, आप देखने में कुछ साइज़ काफ़ी अच्छा लग रहा है, प्राइस रेंज काफ़ी अच्छी, मेरे ख्याल से 11-11.5 लाख से स्टार्ट हो जाती है, इसका बेस मॉडल 11 लाख का है, कौन सी है, इनोवा, काफ़ी बड़ा साइज़ लग रहा है यार, और काफ़ी स्पेशियस भी लग रही है, अच्छी लग रही है, और प्राइस रेंज एक्चुअली उनके ना टोयोटा वाले गाड़ियों के थोड़े से हाई हो गए हैं, क्योंकि ब्रांड वैल्यू ऐसी है, बाकी गाड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, साइज़ काफ़ी अच्छा है, काफ़ी और गाड़ियाँ खड़ी है, और विंटेज गाड़ियाँ भी खड़ी हैं यहाँ पे। तो गाइस बात करें सपनों की गाड़ी के साथ, बता रहा हूँ मेरा जो मन है अगली गाड़ी का 4x4 का, ये गाड़ी है जो सपनों की गाड़ी है, ये है आपकी 4x4 वाकई में एक्चुअल में SUV, इसको अगर हाइलक्स गाड़ी इसकी मैं बात करूँ, टोयोटा की गाड़ी है, प्राइसिंग की बात करें थोड़ी सी रेंज में ऊपर है ईजुकी से, पर सच में बता रहा हूँ अगर आपको फुल ऑन एडवेंचर करना है 4x4 गाड़ी लेनी है, इससे बेस्ट गाड़ी नहीं है, बहुत ही प्यारी है और प्राइस रेंज थोड़ा ऊपर जाता है डेफिनेटली, अगर अपना बनेगा हिसाब तक तो अगली गाड़ी मे बी ये, वैसे मारुति की गाड़ी मुझे बहुत पसंद आई है और प्राइसिंग अराउंड 35-40 लाख रुपये की रहती है, फॉर्चुनर से थोड़ी नीचे रहती है, ईजुकी से थोड़ी ऊपर रहती है, ये हेल फायर की, ये बहुत ही बड़ी कार है, मतलब इसमें 2-4-6 लोग आराम से बैठ सकते हैं, और साइज देखो, लंबाई देख रहे हो ना, वहाँ से लेके यहाँ तक टोयोटा ही दे पाएगा, और हर एक कार के मॉडल के साथ एक मॉडल आपको देखने को मिलेगा, अगर आप एक कार खरीदते हो तो उसके साथ एक मॉडल मिलेगा आपको। भाई ये भी हाइब्रिड है, अंदर का इंटीरियर क्या ही जबरदस्त, स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, ओह माय गॉड, फ्यूचरिस्टिक गाड़ी है भैया, ये नहीं आने वाली हमारे इंडिया में, प्यारी लग रही है गाड़ी, फ्यूचरिस्टिक है भाई, आने वाली नहीं है, बस देखने देखने की शोकेस गाड़ी है भाई। टाटा ने जो काम कर रहे हैं ना बहुत ही शानदार है यार, ट्रक देखो यार क्या ही खूबसूरत है, मतलब इंडिया में अगर ऐसे ट्रक चलने लग गए तो भैया क्या ही कहें यार, ट्रकों का साइज देखो उससे पता चल रहा है, और ये देखो डंपर्स, वाह 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 भाई साहब, मानना पड़ेगा टाटा वैसे भी बहुत कुछ कर रहा है इंडिया के लिए यार, बहुत ही मजेदार, इतना ऊँचा साइज है लगता है एक मंजिल चढ़ के ऊपर जाना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक बसेज भी आने वाली है तो देखते हैं शायद अंदर जाने देंगे नहीं जाने देंगे, बहुत बड़ी बड़ी बसेज है, सारी इलेक्ट्रिक हैं यार, मेरे पता चल रहा है आने वाले टाइम में सब कुछ ही इलेक्ट्रॉनिक होने जाएगा, काफ़ी लग्जरी बसेज हैं, तो मेरे ख्याल से अपने यहाँ पे लोकल चलने के लिए बस है, वो भी लोकल बस होगी, और सब इलेक्ट्रॉनिक बस और ये कमर्शियल गाड़ी हैं सारी। काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी मज़ा आया, देखते हैं गाड़ी के लिए क्या प्लान करना है, मैं जो बाइकें सोच के आया था वो बाइकें तो मुझे यहाँ दिखी नहीं, पर चलो जो भी था अच्छा था, और गाड़ियाँ काफ़ी अच्छी लगी, खासकर मुझे जिमनी गाड़ी बहुत ही बढ़िया लगी, अब क्या करना है फ्यूचर का क्या प्लान है वो आपको आगे बताऊंगा, और इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी तो भैया लाइक मार देना, ज़्यादा अच्छी लगी तो शेयर कर देना, नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और हमारी पुरानी ट्रैवल सीरीज देखना चाहते हो यानी अभी रिसेंटली जो पीछे ट्रैवल करा है वो हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हो, तो मिलते हैं अगली वीडियो में गाइस, बाय 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 बाय।